सो हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल योर हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर। सो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो सब क्वेश्चन का आंसर, जो सब क्वेश्चन आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा विथ आंसर्स, जो सब क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा विथ आंसर्स, बार बार बोल रहा हूँ विथ आंसर्स, अगर वो सब आप लोग एक बार रेडी कर लिए तो आपका OCLD बोलिए, मैनेजमेंट ट्रेनी बोलिए, चाहे आप होटल ऑपरेशनल ट्रेनी बोलिए, चाहे आप फॉरेन कंट्रीज के लिए इंटरव्यू दे, चाहे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनी मतलब इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दे, चाहे आप लोग नॉर्मल एसोसिएट लेवल का इंटरव्यू दे, आप लोगों का इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, आप लोगों का जॉब लग जाएगा। आई एम 100% श्योर, मैं 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ, जो सब क्वेश्चन आज मैं दूंगा वो सब अगर आप लोग रेडी कर लिए तो आप लोगों को मतलब जॉब तो लग ही जाएगा, आप लोगों का जॉब लग ही जाएगा 100%। अगर नहीं लगा तो मेरे को आके बोलना, मैं अपना नाम मिटा दूंगा, दिस 100% श्योर के साथ बोल रहा हूं। सो क्या है कि देखिए, तो ये सब क्वेश्चन देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, रियल लाइफ कुछ एग्जांपल, जो सब मैं कुछ अपना बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम क्या करना पड़ा था कि हम लोगों को मतलब बहुत मतलब कलेक्ट करना पड़ता था, यहाँ से वहाँ से सब कुछ नोट्स वगैरह कलेक्ट करना पड़ा, कोई बुक से कुछ, उस दूसरा बुक से कुछ, जब कॉलेज ख़त्म हो जाता तो लाइब्रेरी से बुक्स कलेक्ट करके सब वहाँ से कुछ मतलब बहुत ही हेक्टिक वाला जॉब था। फिर एक कॉपी में नोट डाउन करो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको मगअप करो, तो बहुत ही ज़्यादा राइट तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ा था उस टाइम पे। तो इसीलिए मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग वो डिफिकल्टीज फेस करें, कि क्या होता है ना कि 2-3 दिन या 1-2 हफ्ते पहले आप लोग मतलब 2-3 हफ्ते बाद आपका इंटरव्यू है और अभी आप लोग दोस्त को कॉल कर रहे हैं, भाई मेरे को नोट्स देना, मेरे को ये सब देना, अरे सर मेरे को वो सजेशन दीजिए ना, क्या करना है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब फिकल माइंडेड, क्या पढ़ूँ इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। तो वही सब जो क्वेश्चन का जो आपका कन्फ्यूज़न टोटली रहता है ना, वही मैं दूर करूँगा, बिकॉज जो सब क्वेश्चन मैं दूंगा वो अगर आप लोग रेडी कर लिए तो वही सब क्वेश्चन एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू में पूछता है। और सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, उसके साथ मैं आंसर्स भी दूंगा। तो ध्यान से देखना। तो ये सब डिफिकल्टीज मेरे को फेस करना पड़ा था, लेकिन यही सब जो सब क्वेश्चन का आंसर रेडी करने के बाद मैं कैंपसिंग में बैठा था और मैं हर होटल का इंटरव्यू क्रैक किया था। मैं कभी भी खराब होटल से या छोटा होटल से कभी भी काम नहीं किया हूँ, यू नो गाइस वेरी वेल, जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं, मैं पहले JW मैरियट से ट्रेनिंग किया, JW मैरियट बैंगलोर, देन मेरा फर्स्ट जॉब लगा एकॉर्ड मेट्रोपॉलिटन चेन्नई, जो मेरा था होटल ऑपरेशनल ट्रेनिंग जहाँ पे मैं क्रैक किया था, उसके बाद आपका आया रेनेसांस के बाद अभी मैं संग्रीला में हूँ। सो रेनेसांस भी JW मैरियट का ही है, अभी संग्रीला बहुत ही बड़ा होटल है, अगर किसी को नहीं पता है संग्रीला कितना बड़ा होटल है, संग्रीला होटल बेंगलुरु, सो आप YouTube में या Google में सर्च कर सकते हैं, यू नो गाइस वेरी वेल राइट। सो कभी भी छोटा होटल से काम नहीं किया बॉस। तो जो सब क्वेश्चन का आंसर देके, जो सब चीज मैं प्रैक्टिस करके इंटरव्यू क्रैक करने के बाद अभी जहां पर भी हूं बहुत अच्छे से हूं, बहुत अच्छा पोजीशन में हूं। तो मैं दिल से चाहता हूं, ये वीडियो मैं दिल से बनाया सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों का फैमिली, आप लोगों का पेरेंट्स के लिए, जो लोग आप मतलब इतना रुपया खर्च करके आप लोगों को पढ़ाते हैं राइट, आप लोगों को पढ़ाते हैं, उन लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप लोगों का तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनता है ना उन लोगों के लिए, कि वो लोग मतलब वो लोग क्या होता है ना कि वो लोगों का एक होप होता है कि आप लोगों के लिए, कि आप लोग कुछ करें लाइफ में, आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो, आप लोग एक अच्छा पोजीशन में जाए, आप लोगों को एक अच्छा पोजीशन में वो लोग देखना चाहते हैं। सो मैं ये वीडियो दिल से बना रहा हूँ और मैं दिल से आप लोगों का मदद करना चाहता हूँ। सो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों का फैमिली, आप लोगों का पेरेंट्स के लिए भी, आप लोगों का मम्मी पापा के लिए भी। सो इसीलिए आज जो सब क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ वो है कि आपका जितना भी आपका अल्कोहलिक बेवरेजेस का ब्रांड नेम्स है, देन आपका
17 कोर्स मेनू है, मतलब जितना भी फ्रेंच क्लासिकल मेनूज है, देन आपका जितना भी होटल मतलब F&B सर्विस का, फूड एंड बेवरेज सर्विस का, ए टू जेड जितना भी क्वेश्चंस है, एकदम बेसिक्स लेवल से शुरू करके एकदम एकदम जो जो क्वेश्चन एग्जैक्ट एग्जैक्ट इंटरव्यूअर इंटरव्यू में पूछता है, वही सब क्वेश्चन मैं एक जगह पे लिस्ट करके एक ई बुक के जरिए आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, और ये मैं आप लोगों को दिल से मदद करना चाहता हूँ। सो एक्चुअली मैं पोल भी किया था तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया कि आप लोगों को वो बुक्स चाहिए, बहुत ही जल्दी चाहिए। मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा DM आया, और मतलब क्या बोलूँ, मतलब बोल रहे हैं कि सर मेरे को अभी चाहिए, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप प्लीज़ मेरे को दे दो, प्लीज़ मेरे को दे दो। यही मैं बताना चाहता हूँ कि वो बुक एग्जैक्ट प्राइस है आपका 499 रुपीज़, जो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन में है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा सब्सक्राइबर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा सब्सक्राइबर्स के लिए मैं दे रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ 200 रुपीज़ में। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ मैं फूड प्रोडक्शन का ई बुक फ्री दे रहा हूँ, टोटली फ्री, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। क्योंकि अमेजोन से अगर आप लोग खरीदने जाएंगे वही फूड प्रोडक्शन ई बुक, तो वो भी फूड प्रोडक्शन किंग जो है वो भी आपका 499 रुपीज़ आप लोगों को लग जाएगा। सो अगर आप लोग चाहते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से लेना तो ले सकते हैं 499 रुपीज़ में, लेकिन वहाँ पे अगर लेंगे तो आपको फ्री भी नहीं मिलेगा, फूड प्रोडक्शन का बुक अलग से खरीदना पड़ेगा और वो 499 रुपीज़ से ही खरीदना पड़ेगा। यहाँ से मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 200-200 रुपीज़ में आप लोगों को दे रहा हूँ, और मेरा जितना भी जो कुछ भी है अभी तक का वो सब कुछ इस ई बुक में है। अगर ये ई बुक एक बार आप लोग रेडी कर लिए, मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंटरव्यूअर यही सब क्वेश्चन पूछता है, और आप लोग इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे और आप लोगों का जॉब लग जाएगा। अगर नहीं लगा तो मेरे को आके बोलना, मेरा नाम मिटा देना, इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इतना गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, कि इतना होटल का इंटरव्यू देने के बाद, इंटरव्यू इतना इंटरव्यूअर का माइंड के साथ खेलने के बाद, इतना इंटरव्यू का सिचुएशन फेस करने के बाद, मेरे को इतना तो पक्का हो गया है कि बॉस यही सब पूछता है इंटरव्यूअर। फूड प्रोडक्शन फ्री है, फूड प्रोडक्शन ई बुक F&B सर्विस के साथ फ्री है। इसके बाद जिसको जिसको फ्रंट ऑफिस का चाहिए मेरे को नीचे कमेंट करें, मेरे को फ्रंट ऑफिस का चाहिए सर, मैं फ्रंट ऑफिस का भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ओके यही है और कुछ नहीं। तो आप लोग जल्दी से लिंक में जाए, डाउनलोड करें, बहुत ही अच्छा गाइस, बहुत ही अच्छा ई बुक है। मतलब जो सब चीज़ मैं मगअप करके, मैं प्रैक्टिस करके अभी तक का टॉप लेवल का होटल में, 5-स्टार होटल में, सिर्फ और सिर्फ 5-स्टार नहीं, वो 5-स्टार डिलक्स होटल में मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, और एक अच्छा पोजीशन में, एक अच्छा जगह पे। ये जो ऑफर है ये लिमिटेड डेज के लिए है, कुछ दिनों के लिए ही है। मैं 200 रुपीज़ में ये दे रहा हूँ, साथ में एक फूड प्रोडक्शन ई बुक फ्री दे रहा हूँ, सो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो जल्दी खरीदिए इसको, अगर आप लोग इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं एक अच्छा होटल में, तो जल्दी से जल्दी खरीदिए। बिकॉज उसके बाद क्या होगा ना, कि आप लोग फिर जाएंगे वो लिंक में, 499 से खरीदेंगे या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे, फिर मेरे को आके बोलेंगे कि सर आप बोल रहे थे कि 200 रुपीज़ में दे रहे हैं, साथ में ई बुक फ्री दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये लिमिटेड डेज के लिए, कुछ दिनों के लिए है, सो जल्दी करो, कुछ तो के लिए है, उसके बाद मैं फिर से वो टैग लगा दूंगा, 499 में ही वो खरीदेंगे जो खरीदना है, उसके बाद 200 में वो बुक नहीं सेल होगा उसके बाद, और ई बुक भी नहीं मिलेगा, फूड प्रोडक्शन का ई बुक फ्री नहीं मिलेगा। सो जल्दी करो बस, हरी अप गाइस, हरी अप। ओके सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।